So before going for your resume, I would like to show you one resume that I like most. Actually, एक resume मेरे को बड़ा पसंद आया, हालांकि उसमें जो लिखा है वो चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन उसका जो बनाने का तरीका था वो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा. वो थोड़ा सा अपन देखते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस तरह से आप बना सकते हो. बाकी आप लोगों के भी resume अपन लोग देखेंगे और उसमें जो भी मेरे पे संभव हो सकेगा मैं उसको मतलब जो भी आपको बताऊंगा सजेशन वो अपन कर सकते हैं. ओके, सो आई वुड लाइक टू शो ऑल ऑफ यू वन रिज्यूमे दैट विल हेल्प अ लॉट. वेट अ मिनट प्लीज. Is it visible or not? Please say yes or no. Yes, sir, it is. Yes, sir, it is visible. Okay, so one student has sent me this resume. एक student ने मेरे को भेजा था, मैंने आपको बताया भी होगा कि मैं क्या actually spoken English class लेता हूँ और GDPI इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे को ऐसे भेजते हैं. मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये कि एक ही पेज में ये रिज्यूमे फिनिश हो गया. देखिए आप, एक ही पेज में, ओनली वन पेज. इसमें जो लिखा है उस पर मत जाइए, मतलब जिस तरीके से इन्होंने बनाया है दैट आई लाइक मोस्ट. जिस तरीके से इन्होंने बनाया है एक ही पेज में, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा. तीन चार पेज की अपेक्षा, जैसे इन्होंने पहले ईमेल एड्रेस डाला, उसके बाद इन्होंने फ़ोन नंबर डाल दिया अपना मोबाइल नंबर, और हालांकि मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है इनके उसके लिए पर्सनल डिटेल्स ना जाए इसीलिए, और फिर उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इन्होंने अपना नेम डाला, उसके बाद फादर्स नेम डाला, फिर डेट ऑफ बर्थ डाल दी, उसके बाद सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, ये पूरा इन्होंने डाला. फिर उन्होंने स्किल्स, हॉबीज, एक्सपीरियंस ये सब लिख दिया, और साइड में उन्होंने एक बढ़िया सा ये बॉक्स बनाया, उसमें ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल और जो भी ऐड करना चाहते हैं. तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, बड़ा एक ही पेज में पूरी बात लिख देना और ओनली वन पेज दे देना, दैट आई लाइक मोस्ट. सो यहाँ पर हम लोग अब आप लोगों के रिज्यूमे को भी डिस्कस करेंगे. मेरे पास प्रियंका शर्मा का आ गया है. प्रियंका शर्मा जी जुड़ी हैं अभी कि नहीं? यस सर. ओके, तो ये जो मैंने अभी शेयर किया वो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा फीडबैक दें. वन पेज में हम लोग बना सकते हैं सर, बना तो सकता है, पर द थिंग इज कि उसमें ना जितना लाइक क्वालिफिकेशंस एंड ऑल वगैरह है कई बार चीजें आ नहीं पाती हैं. ओके ओके, मेरा मतलब जो है, क्या है, जब कैंडिडेट का ज्यादा मतलब चीजें हो तो वो आ नहीं पाती है, राइट? हाँ जी. अच्छा, वन मिनट. तो मेरे आई नो इतने ज्यादा क्वालिफिकेशंस नहीं है अभी, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा लाइक ऐसा लगता ना कि वो काफी मिसिंग लग रही थी उसमें चीजें. अच्छा, ओके ओके. आपका कहना है कि मतलब अपन जैसे एक पेज में दे देंगे तो वो उतना इम्पैक्टेबल नहीं रहेगा, मिसिंग रहेगा, राइट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है. इम्पैक्टेबल ऑफ कोर्स होगा. मैंने भी ट्राई एक्चुअली यही किया था अगर एक पेज में आ जाए तो, बट वो इंक्लूड नहीं हो पाया, तो दैट इज व्हाई वो टू पेजेस में आया. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. अच्छा, बहुत अच्छा सर, हमारा एक पेज में ही था, हमने सेंड किया मेरे सर को. अच्छा. प्रियंका जी, आपका मैं ये रिज्यूमे दिखा सकता हूँ सबको? श्योर सर. ओके, वन मिनट. Yes, is it visible now?
तो अच्छा, यहाँ पे आपने अपना नेम लिख दिया, ऑलरेडी आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया? यूनिवर्सिटी। ओके ओके, दैट्स नाइस दैट्स नाइस। ओके एंड ऑब्जेक्टिव शिक्वायर रिस्पॉन्सिबल कैरियर अपॉर्चुनिटी टू फुली यूटिलाइज माई ट्रेनिंग एंड स्किल्स वाइल मेकिंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके अच्छा प्रियंका जी, इसमें आप कौन से सब्जेक्ट से हो पहले ये बताइए होम साइंस, जी। होम अच्छा, साइंस। फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इसमें थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर मेरे को दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव में, है ना? अगर ओके होम साइंस से हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे इसमें सिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब हमने किया है ना, सिक्वायर्ड रेस्पॉन्सिबल कैरियर अपॉर्चुनिटी। ओके ओके, यहाँ पे ओके, वन मिनट वन मिनट वन मिनट, यहाँ पे आप ये लिखना चाहते हो कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल कैरियर अपॉर्चुनिटी सिक्योर करना चाहती हूँ, है ना? यही तो लिखना चाहते हो? राइट राइट, तो राइट तू आ जाएगा ओके। आई वॉन्ट टू सर, एक्चुअली बताएंगे कि यहाँ पे मैंने जितने रेज्यूमे एनालाइज किए हैं इन गुड़गांव, तो वो थोड़ा प्रोफेशनल होता है, तो उसमें आई वांट टू वाला चीज थोड़ा पर्सनलाइज चीज कम रखते हैं, तो दैट इज व्हाई। ओके तो फिर यहाँ पे अगर जैसे जैसे आप बोल रहे हो, वैसे तो एज अ मतलब एक ग्रामर टीचर के हिसाब से तो मैं इसको मतलब जो आप बोल रहे हो वो गलत मानता हूँ, बट आप जो प्रोफेशनल बोल रहे हो फिर भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, वॉन्ट टू सिक्वायर, ये ज़्यादा अच्छा है। सर एक्चुअली मैंने जितने भी मतलब सच में द थिंग इज कि यहाँ पे बहुत फॉर्मली चीजें चलती है एज यू नो दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसमें ना ये होता है कि हम ट्राई करते हैं जो पर्सनल चीजें हैं हमारी, लाइक आई को यूज करना हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज दैट इज मतलब लॉजिकल तो है कि वी आर ओनली राइटिंग दिस रेज्यूमे, ओके तो दैट ओके इज व्हाई, तो थोड़ा ये होता है मतलब ग्रामेटिकल अगर आपको लग रहा है तो हम टू सिक्योर और रेस्पॉन्सिबल करियर हाँ वैसा हाँ कर, हाँ दैट्स राइट दैट्स, ये सही है ये सही है, तो ये जो बात ऑब्जेक्टिव होता है जनरली टू से ऐसा राइट स्टार्ट। राइट राइट राइट, ये सही है, ये मैं आपकी बात मानता हूँ, फिर इसमें एग्री कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अपन लोग टू से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? राइट और बाकी वैसे आपके होम साइंस के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए थोड़ा बता रहा हूँ मैं तो, हाँ जी है ना? हाँ जी इसमें होम साइंस के लिए तो कोई किसी भी प्रकार से दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दैट इज़ नॉट आर सब्जेक्ट, राइट? राइट कैरियर अपॉर्चुनिटी टू फुली यूटिलाइज, ओके। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे देखते हैं। क्या बात है प्रियंका जी, आप तो न्यूट्रिशन भी हो, है ना? सर एक्चुअली मेरा होम साइंस का ऐसा होता है, फील्ड्स होती है तो वी हैव स्पेशलाइजेशन जब हम मास्टर्स करते हैं, तो मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन में स्पेशलाइजेशन है, ओके ओके, सो वही वाला पार्ट था जो मैं एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। दैट्स नाइस दैट्स नाइस। ये जब भी सी जी पी ए वगैरह लिखते हैं इसको थोड़ा कैपिटल में लिख सकते हैं ना? सेम हेयर। देखो वैसे तो कई बार छोटी छोटी चीज़ों को बहुत इग्नोर किया जाता है, बट कई हम लोग अपनी साइड से कोई कमी ना छोड़ें, है ना? हाँ जी दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप गुड़गांव से, मतलब वैसे एमपी से ऑफिस, मतलब वैसे नहीं नेटिव तो आपका एमपी है या फिर गुड़गांव से ही आप शुरू से? स्टार्टिंग से गुरुग्राम ओके से। ओके
ये वाला ऐड हो क्या? समझ सर एक्चुअली हाँ जी ऊपर टॉप पे रिज्यूमे था तो आई गॉट कंफ्यूज विद द अदर डॉक्यूमेंट ऑफ दैट. ओके ओके नो प्रॉब्लम. ठीक है. सो एनीवन हु इज फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर हैज प्रिपेयर्ड द रिज्यूमे? मेरा सर. आई हैव सेंड टू मेरा सर. मेरा सर प्लीज सेंड. किसका वैसा आई होप मेरा सर. हाँ सर मैंने सेंड किया आपको. देखिए मैंने सेंड किया आपको. देखिए अच्छा सर मेरे पास आ नहीं रहे. मेरे पास ओनली प्रियंका शर्मा का आया है. ओनली प्रियंका जी का आया मेरे पास. सो आई हैव सेंट इट टू यू पर्सनली. ओके ओके. So should I share your resume also to the all students? Yes, sir. No problem. One minute. Swata ji, kal maine send kar diya. जब तक मैं निकाल रहा हूँ तब तक कोई क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग. आपस में भी डिस्कस कर सकते हो. कोई दिक्कत नहीं है. हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है. इसमें ये थोड़ी कि मैं आपको सिखा रहा हूँ या और कोई सिखा रहा है. एक प्लेटफॉर्म है. हम सभी जानते हैं कि आप ऑलरेडी कोई एक बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करके आए हो तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी रखते हो राइट. तो यहाँ पर कोई ऐसे सिखाने विखाने का वो नहीं है. एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. आपकी आवाज थोड़ी सी धीम प्लीज रिपीट. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब हमने अप्लाई किया था बिकॉज आई वाज इन डाउट कि कितना टाइम लगेगा पता नहीं वहाँ पे पहुँचने में. तो मैंने लिए स्टार्टिंग में ही कर दिया था फॉर्म अप्लाई. तो मेरा मैंने वहाँ पे जो अभिरुचि लिखा था हॉबीज के लिए और उसकी जगह पे पब्लिकेशंस का भी मेंशन था. तो मैंने पब्लिकेशंस तो ऐड कर दिए थे उसमें बट मैंने ना हॉबीज ऐड ऑन नहीं किए थे. तो आई होप इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगा कुछ. नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगा बट हॉबी उन्होंने देखो क्यों पूछी है. हॉबी इसलिए पूछी है जिससे वो उस इंटरव्यू के दौरान आपसे क्वेश्चन कर सके. हाँ. और नहीं तो वो कहीं से आई कैन आंसर दैट है ना. नहीं तो क्या होगा एल्स दे कैन गो एनीवेयर. If you are particular mentioning that thing that yes my hobby is here, my interest is here, they will ask questions related to that, right? उससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है. कई लोग खाली छोड़ रहे हैं जिनको पता समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें. हाँ जी. है ना. हाँ जी. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे. Yes. So now I am sharing Baisali's resume. आप लोग वैशाली जी का resume देखें. Is it visible? Yes. देखिए इसमें अपन लोग देखते हैं जो भी अपन लोग कर सकते हैं इसमें या फिर ऑलरेडी सही है वो देखेंगे. ठीक है. इन्होंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दी है.
मोबाइल नंबर लिख दिया, जबलपुर मध्य प्रदेश, वर्क एक्सपीरियंस लिखा है। ओके अच्छा वैशाली, इसको जो आप लोग ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे वर्क एक्सपीरियंस आप लिख रहे हो तो थोड़ा सा गैप करें, जैसे वन ऐसे करके है ना, उसके बाद फिर टू करेंगे। यस सर। राइट, ऐसे थोड़ा सा गैप कर सकते हैं, और गैप रखें ज़्यादा अच्छा है, उससे एकदम क्लियर होगा। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि होने को कुछ नहीं हो, मतलब कभी मतलब हो सकता है कुछ ना, उसका इम्पोर्टेंस ही ना रहे रिज्यूमे का, ये भी बता दूँ मैं आपको। बट ऐसा भी हो सकता है कि रिज्यूमे का इम्पोर्टेंस हो। कैसे इम्पोर्टेंस हो? इम्पोर्टेंस ऐसे हो सकता है कि अगर उन्होंने, जैसे आपने एक रिज्यूमे पुटअप किया, उसमें आपने जो लिखा है वो वहीं पर क्वेश्चन में, मतलब वहीं पूछेंगे आपसे, उसी दायरे में पूछेंगे। रिज्यूमे का ये फ़ायदा होता है, और हो सकता है कि बिल्कुल ना हो, है ना, तो दोनों चीज़ हो सकती हैं। एक्चुअली आई हैव ऑल्सो अपियर्ड इन बैंक पी यू इंटरव्यू एज आई ऑलरेडी मैंसन, तो वहाँ पर हमने रिज्यूमे वगैरह प्रिपरेशन की, लेकिन वहाँ तो मांगा ही नहीं गया है ना, मौका ही नहीं दिया उन्होंने मांगने का। बट एक बैंक, एक दूसरे जो इंटरव्यू में गए थे वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले रिज्यूमे ही मांगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे मांगा भी जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे कि वो लिखा रहे हैं कि आप अपनी जो अभिरुचि है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो लिखिए, है ना। बट हम लोगों को तो रेडी रहना है ना हर चीज़ से, हर तरह से रेडी रहना है। यस सर। ओके, सो वर्क एक्सपीरियंस में हमें थोड़ा सा ये जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको गैप करके देना, तो मैंने आपको ये कर ही दिया है, अभी मैं सेव करके आपको वापस भेज दूंगा, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया गेस्ट फैकल्टी, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बोल्ड रखेंगे हम लोग, राइट, कितने कब से कब तक रहे। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग JNKVB जबलपुर, ठीक है। आई वॉज इम्पॉर्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल टू BTech स्टूडेंट, दैट्स नाइस। ओके, आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंग्लिश प्रोफियंसी कोर्स एज वेल। ओके, तो आपके पास दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप BTech स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे थे, और शायद आप उनको स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी ले रहे थे, राइट। यस सर। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन बन रहा है, हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया जाए। अगर आपने प्रोफियंसी का लिखा है हुआ है, तो आप किस तरह से, किस वे से आप सिखाते थे? हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन से सिखाते थे, या फिर एक्टिविटी के थ्रू सिखाते थे, या फिर किस तरह से सिखाते थे आप? So both the approaches, okay. Keeping in mind the balance of both the approaches, okay. Like translation as well, plays, and even speeches, okay. But so everything I've tried. How was your experience of that particular thing? So it was really good. I have noticed that the students like activities more than just teaching grammar rules and everything. Okay. And they learn more better, much better. Very nice. If we, so I am putting this question because you know very well that in higher education, what is real condition, right? What is practical condition? Yes, sir. Many students of MP, I think I can... if I say 95 or 96% of MP students are not perfect in English, I think that that's not wrong at all, right? Yes, so actually there is willingness, but there are lesser resources, I guess, or less awareness. Okay, regarding so my question to you that if suppose you will be given chance to teach spoken English program, and especially those students who don't have access to English, even they don't know Hindi to English translation, what will be your first priority? So first of all, I would ask them to watch videos, because we grasp more and more knowledge by listening and visualizing things. Okay. So the first step would be to watch videos or watch English songs with Hindi subtitles, or Hindi songs with English subtitles. Very nice. So that can also work. Okay. So what type of video would you suggest them? YouTube videos of any teacher, or short films, short videos? What type of videos would you suggest them?
सो आई वुड सजेस्ट एनीथिंग दैट इंटरेस्ट देम इफ इट इज एन इंग्लिश मूवी ऑल्सो ओके विच इज हिंदी डब्ड एंड दे आर वॉचिंग विथ इंग्लिश सब टाइटल्स दैट कैन ऑल्सो वर्क बिकॉज अ स्टूडेंट ओनली लर्न्स इन फ्रॉम समथिंग इन विच ही और शी हैज इंटरेस्ट इफ देर वुड बी नो इंटरेस्ट ही वोंट ट्राई टू लर्न राइट ओके सो according to you which is the best way only translation way is the best way or activity way is the best way to teach them so as per my personal experience mm-hmm. both the ways are necessary okay. in their place but the thing is that what I have experienced that students enjoy the activity part more and they learn much better okay. when we are going with the activity method that's nice good okay now assistant professor acha aap is very nice kya baat isko bhi thoda bold kar dete hain jabalpur se hi aap ho kya yes sir okay I had provided my expertise and knowledge while working as an assistant professor for English communication skill and personality development very nice so aapne har jagah spoken english course sikhaya hai right sir actually saint aloysius institute of technology was the first place where I was given a chance and there I have learnt a lot so there they gave me an opportunity to run a spoken english course that's nice so only I am joking if you are selected there so please suggest a student to my video also sure absolutely my videos are also available on YouTube you can search my videos Raghbind Pal right so some of good videos are there for students especially spoken english course so it is only I can go for joke right yes sir no problem okay aapne kv1 mein bhi padhaya right yes sir it was a faculty the kya no sir it was an internship while I was pursuing ma so I was supposed to do a 1 month year teaching internship my responsibility there was to contribute okay in building the future of the nation वेरी नाइस मुझे अभी तक तो आपका बहुत अच्छा लगा खैर आप तो ऑलरेडी अब दूसरों को सिखा रहे हो तो अच्छे हो गए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हम भी एक स्टूडेंट हैं ना आप भी तो एक स्टूडेंट हो अभी yes, अभी अपने आप को ऐसा मानो कि हम भी एक स्टूडेंट है राइट हम मैं भी मानूँ आप भी मानो सब लोग मानो तो हम ज़्यादा सीखेंगे टीचर इज ऑलवेज स्टूडेंट ओके सो माय अगेन देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड अकॉर्डिंग टू योर रिज्यूमे व्हाई डिड यू चेंज योर फील्ड फ्रॉम बीकॉम टू एमए इंग्लिश सो सर इफ यू गो फॉरवर्ड इन माय रिज्यूमे यू विल फाइंड इन माय स्किल्स सेक्शन दैट आई हैव एन इंटरेस्ट इन पेंटिंग आल्सो सो फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव बीन इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्ट्स मोर देन एनीथिंग एल्स So after my graduation, I realized that the arts is something I want to pursue, and even teaching interested me a lot more than commerce. Okay. So I was inclined towards this area, and I wanted to do this only. Right. That's why. Also, the as teachers, we get an opportunity to give back to the society. So that also was another reason that I wanted to pursue MA like English literature and then be an and assistant have you, professor. Have you ever thought that you would be appearing in assistant professor interview? Have you ever thought for that while starting your MA program? Yes, sir. You have Yes, like after the first semester, so after seeing my professors, I was very much inspired by them and I had this motivation to just pursue this field and be an assistant professor and also contribute. Okay. And I have seen that many students who are in college, they don't know
that what is the profile of assistant professor job and how much salary they get. So have you already know in first sem that yeah, sir's profile is very nice? How did you get attracted to by your teachers? So actually my father also plays an important role in this thing. Okay. Like the awareness part comes from him. Right. Because he has been always supporting and motivating me. Right. To pursue whatever I want. Right. So he was there to guide me throughout. Okay. That financially and socially, how much this job comes with, how much responsibility and respect this job holds. Okay. And have you cleared your NET exam or SAT? Sir, I have cleared my SAT exam. I guess okay. I haven't mentioned. But you mentioned have not mentioned there. Where you did you mention? Yes, I get. I have just missed it in my resume. Right. So, वो आपको mention करना है ना? Yes, sir. ठीक. वो भी तो भैया बहुत important है. तभी तो आप वहाँ से निकले हो, है ना? Yes, sir. Okay. Now I am talking about your skills. So painting, English proficiency, ठीक है. अच्छा written और spoken में आपने लिख दी, तो इनके देखो ये skills, इनके question आ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे पूछे ना, तो ऐसे question आ सकते हैं. तो वो आई थिंक दैट यू आर answering वेरी वेल. क्वेश्चन का जवाब जब भी हमें देना है ना, तो सिंपल सा होता है. मैंने आपको बोला कि कॉन्फिडेंस जो है ना, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस आपके नॉलेज पे भारी पड़ जाता है. हो सकता है कि एक प्रोफेसर जो है वो अच्छे उसमें पढ़ा रहा हो, लेकिन एक प्रोफेसर जो छोटे कॉलेज में पढ़ा रहा है, फिर भी वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर उसके पास कॉन्फिडेंस है ना. तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंस रखता है अपनी लाइफ में. कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका. जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप जिस तरह से अभी आप दे रहे थे, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वे एंड सेम वे यू कैन यूज़ वाइल appearing in the interview, right? Thank you, sir. Okay. And skill में जैसे अब देखो, थोड़ी सी चीज़ हमें ये लग रही है बार बार, मतलब ये ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. जैसे MS PowerPoint भी लिख दिया, MS Word भी लिख दिया, है ना? तो आप MS Office लिख सकते हो इन दोनों की जगह. MS Office में आपका PowerPoint भी आ जाएगा, Word भी आ जाएगा, आपका Access भी आ जाएगा, Excel भी आ जाएगा, है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि आपको एक्सेल पसंद नहीं है, बाकी यही पसंद है इसीलिए आप लिख रहे हो ये? नहीं सर. हाँ, तो आप एमएस ऑफिस लिख सकते हो, राइट? यस सर. एंड ये ठीक है, इसमें आप वो कर सकते हो स्पोकन इंग्लिश प्रोफेंसी में, तो ठीक है चल जाएगा, क्योंकि वो अलग अलग स्किल हो जाती है. स्केचिंग, अच्छा स्केचिंग और पेंटिंग में, सॉरी बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केचिंग एंड पेंटिंग? सो स्केचिंग बेसिकली पेंसिल्स से और पेन से की जाती है, पेंटिंग भी यूज कलर्स एंड ब्रशेस, सो वैरायटी भी बहुत है पेंटिंग में. यू हैव इंटरेस्ट इन बोथ स्केचिंग आल्सो एंड पेंटिंग आल्सो, राइट? यस सर. ओके. कंटेंट राइटिंग, ओके. आपने कभी किसी के लिए कंटेंट राइटिंग की है, किसी वेबसाइट वगैरह के लिए? सर, मैंने एक्चुअली दो इंटर्नशिप्स की हुई है कंटेंट राइटिंग की. वो आपने बोला था कि ऊपर आपने लिखा हुआ है, वो मैंने मेंशन नहीं किया है सर यहाँ पे, क्योंकि आपने बोला था जो आपने फॉर्म में मेंशन किया है सिर्फ वही आप अभी रिज्यूमे में मेंशन करना. तो मैंने फॉर्म में भी कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला था. अच्छा. तो वो मैंने मेंशन नहीं किया है, बट आई हैव डन कंटेंट राइटिंग. मैंने सिर्फ फॉर्म में पेंटिंग ही मेंशन किया है एज एन हॉबी. ओके, ठीक है ठीक है. एवरीथिंग इज गुड इन योर रिज्यूमे, राइट? एंड में बस ये थोड़ा सा लिख देना, यहाँ पे वो लिखते हैं ना प्लेस वगैरह, नेम ऐसे करके लिखते हैं ना. अभी मैंने आपको दिखाया भी था, देखो मैं दिखाता हूँ एक मिनट. ठीक है, थोड़ा सा पता नहीं इधर उधर हो गया वो. अभी मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं? नो सर. थोड़ा इधर हो गया, कोई बात नहीं, बाकी आपका अच्छा है. एंड
खासकर मेरे को वो अच्छा लगा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप अच्छी तरह से आंसर कर रहे हो, राइट, विद फुली कॉन्फिडेंट। थैंक यू सर, थैंक यू बेस्ट सो बेस्ट। मच। अच्छा और किसी का चेक तो नहीं करना है? और तो मेरे को भेजा ही नहीं है। ठीक है ठीक, और किसी का तो मेरा सर मेरे पास आया नहीं है। श्वेता जी का सेंड किया सर मैंने। वन मिनट। अच्छा श्वेता जी, ये प्रियंका शर्मा का स्टेटमेंट आया है कि उत्तर प्रदेश में लोग होती है। श्वेता जी आप जुड़े हो कि नहीं? नहीं श्वेता जी जुड़ी नहीं है। जुड़ी नहीं है अभी? नहीं। अच्छा फिर डिस्कस करने से क्या फायदा? नहीं जुड़े सर हम। अच्छा आ चुकी है। मेरा सर अपने बंद करिए माइक प्लीज। शुरू से ही जुड़े हैं सर। शुरू से जुड़े हो जी? आप बैठे हुए थे इसलिए दिखने नहीं। मैं आपको यहाँ तक समझ पाया हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है जी सर, क्योंकि ये हमारी कोई जिंदगी का वो नहीं है, ये तो एग्जाम है ना, और इंटरव्यू है। एग्जाम तो आप क्रॉस कर चुके हो, सॉरी, ये तो इंटरव्यू है ना। हो जाए तो बहुत अच्छी बात। जब मैंने आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स जो लोग मतलब बिंदास रहते हैं ना कि अरे ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उनका ज़्यादा होता है, और जो टेंशन लेते हैं अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उनका थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो आपको एक ही बात रखना है, क्योंकि आपके लिए अच्छी खबर है, आपका शायद वर्ग एक में भी हो चुका है जी। तो वर्ग एक का वो ज्वाइनिंग आ रही है आज, उन्होंने सब उसने हाईकोर्ट ने हटा ली है रोक, है ना जी। तो अब आपको पता है क्या सोचना है? तीन चार दिनों में आ रही है सर इनके कोई नहीं, तीन चार दिनों में ज्वाइनिंग आ रही है श्वेता जी, राइट। आप मेरी बात सुन रहे हैं श्वेता जी? अब तीन चार दिन में ज्वाइनिंग आ रही है, तो आपको तो ये सोचना है कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारी तो जो लग गई है नौकरी, ज्वाइनिंग आएगी ये, है ना जी। तो जब आप इस सोच के साथ जाओगे ना, आप विश्वास कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था कि कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है ना। आपके सामने कितने हाँ। भी बड़े मतलब अच्छे नॉलेजेबल व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर आप घबरा गए तो फिर आप गए, है ना। कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो आप में थोड़ा सा मेरे को लैक लगा, इसीलिए मैं आपसे थोड़ा जोर दे रहा हूँ कि आपकी तो जॉब लग चुकी है ना, तो आपको क्या टेंशन लेना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं जी सर। हमें भी पता है कि कॉन्फिडेंस बहुत कम है हमें। हाँ नहीं हाँ वही तो मैंने मैंने महसूस किया, अभी दो तीन बार बात करके मैंने महसूस किया, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा जोर दे रहा हूँ, राइट जी सर। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, ईश्वर सबकी सुनता है, एक बार आपकी सुन ली अब आगे भी सुन लेगा, है ना जी सर। और अगर जैसे देखो क्या, हम तो दोनों पक्षों को लेकर रखा, मैं तो अपनी लाइफ में दोनों पक्षों को लेके चलता हूँ, फेल हुए तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं हुए तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब हर तरह से देखो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है जी, राइट। और फिर भी अगर नहीं भी हो पाता तो अगली वैकेंसी फिर देखेंगे, कितनी सारी वैकेंसी आ रही, हमारे पास क्षमता है। इस सोच के साथ जाओगे तो आई थिंक बहुत आपका काम होगा, है ना जी सर। चलिए ओके, तो मैं आपका शेयर कर सकता हूँ जो आपने बनाया है सर? थोड़ी सी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है एक दो जगह है। कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या हुआ? अच्छा सब लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं? हैंड रिटन है। तो इसको आप कंप्यूटर में कब बनाओगे? नहीं वो उसको हम बना देंगे सर। ओके ओके, हम इनको सेंड कर देंगे श्वेता जी, ठीक है? ओके ओके। सर हाँ जी, हेलो, यस सर, क्या इंटरव्यू में रिज्यूम लेकर जाना जरूरी है? नहीं जरूरी तो नहीं है एमपीपीएससी नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर में, क्योंकि
मेंशन तो कहीं नहीं किया गया। मैंने अभी बोला था उपासना जी, मैंने अभी आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि वो लोग आपको लिखवा रहे हैं, आपकी अभिरुचि लिखा रहे हैं, है ना, तो इसीलिए तो लिखा रहे हैं कि वो आपसे क्वेश्चन कर सकें, जरूरी नहीं है। हम तो एक एक्स्ट्रा मतलब वो बोलते हैं कि हम उसके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए ले जाएंगे, है ना। यू नीड टू थिंक कि हम प्रिपेयर करके ले जाएं साथ में। उपासना ऐसा है कि इसमें हमने जो रिज्यूम आपसे मांगे हैं वो सिर्फ क्वेश्चन इससे कर सके, इससे रिलेटेड, और आप इसका जवाब तरीके से दे सकते हैं। इसीलिए आप सभी से हमने रिज्यूम मांगे, पीएससी ने रिज्यूम। आई वांट टू कि हाँ, तो हम जब पीएससी में जाएंगे क्या हमें साथ ले जाना चाहिए रिज्यूम? नहीं, ले जा सकते हो। आपने तो अभिलेख पत्र को सेंड किया, एक कॉपी तो आपने उसकी रखी होगी। हाँ, और उसके बाद आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका एक सेट हुआ। हाँ, ये आपको लेके जाना है, क्योंकि ओरिजिनल लेकर इसलिए जाना है क्योंकि आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। हाँ, अभी जो आपने अभिलेख पत्र सेंड किए हैं, जो आपने फॉर्म फिल किया वो मैं छोड़ूंगी, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपने देखा होगा क्लास सेवा के कुछ 48 कैंडिडेट की जो नाम आए थे उनको निरस्त कर दी गई। हाँ सर, पता चला था मुझे। हाँ, अभी आपका सिर्फ मैच हो रहा है कि आपने जो फॉर्म फिल किया है वो बाकी है सही है, और जो आपने अभी जीरोक्स कॉपी सेंड किए हैं वो सब मैच होंगे, और लास्ट में जाके आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन होगा। ओके 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 ठीक, ओके, थैंक यू सर। क्लियर हुआ ना उपासना जी आपको? राघवेंद्र सर कंटिन्यू। उपासना जी, इज इट क्लियर और नॉट? सर म्यूट है। यस उपासना जी, क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर, हो गया। देखो कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ अपनी बेनिफिट के लिए, मान लो जैसे वहां पे मांगे जा रहे हैं तो अपन अपने पास रखा हुआ है ना ऑलरेडी, और अगर हमने हाँ सर रखा है, कर दिया सामने, तो उस रिज्यूम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हमने लिखा हुआ है, वहीं पे पूरा वो चला जाएगा आपका इंटरव्यू, है ना। इसीलिए एक्चुअली आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड बिकॉज़ उसमें मेंशन नहीं था ना, इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो एंड आई होप दैट अदर स्टूडेंट्स विल आल्सो प्रिपेयर देयर रिज्यूमे इफ पॉसिबल एंड बी रेडी विद ईच एंड एवरीथिंग, राइट? वी डोंट हैव टू लैक फ्रॉम एनी साइड, हमें किसी भी तरीके से कमी नहीं करनी है, राइट? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन की करने जा रहे हैं, मतलब इंट्रोडक्शन की हम लोग फ्राइडे की क्लास रखेंगे। तो इंट्रोडक्शन आप लोग ऐसा कर सकते हो कि या तो हम लोग ऐसे करेंगे कि वन बाय वन, जैसे मान लो किसी एक को सामने लिया, उसको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा और फिर सबके सामने इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। एक तो अपने पास ये तरीका है। दूसरा तरीका, जैसे अभी हमने आपका रिज्यूमे लिया वैसा ही हम आपका इंट्रोडक्शन लिखवा के ले लें। So which way I think is good according to you? Face cam will be good. Sir, on camera. Face camera is good, right? On camera. Right? Yes, sir. Face camera. On camera. So I think that all students have to be ready with their introduction for the next class on Friday. हेलो राघव सर, आई हैव क्वेश्चन। अपने संडे को क्लास रही थी ना, ये वन पे कौन जाएंगे, सेकंड पे किससे किससे जाएगा, थर्ड पे कौन, ठीक है आपका। और इसके बाद कैमरा ऑन पे करेंगे, और जो रिज्यूम अपने मंगाए हैं वो सेंड किए जिन्होंने, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे हैं, और इंट्रोडक्शन में है, वेबी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप बताइए कुछ हो। बताइए सर, आपका माइक दिक्कत कर रहा है, आवाज डबल रिपीट आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। आपका म्यूट है। मेरा म्यूट है, मेरा म्यूट है, आपका दिक्कत कर रहा है ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना सब लोग?
यस सर, यस सर। आपका माइक थोड़ा, हाँ आप अपने माइक को एक बार मतलब डबल चल रहा है शायद, वो थोड़ा बंद कर रहे हैं, फिर बोलें आप, तब क्लियर आएगी आवाज। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, क्लियर नहीं आ रही। रिपीट रिपीट आ रही, रिपीट। नो सर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, रिपीट आपको सर, आप एक बार रिकॉल करके फिर देखेंगे क्या। रिपीट आ रही है आपकी, मेरा सर, रिपीट आ रही है आपकी, मेरा सर, रिपीट आ रही है आपकी सर। रिकॉर्डिंग चल रही है ना सर, इसलिए शायद ये क्लास जो क्या है कि कभी कोई मिस कर देता है ना, तो एप्लीकेशन पर आपके रिपीट मिल जाएगी। अच्छा अच्छा चलो, रिकॉर्डिंग तो खैर मेरी भी इधर भी चल रही है, आप चाहो तो उसको आप क्लोज कर सकते हो। हाँ आप बोलें आप जरा, शायद सही आए। मेरा सर आप क्या बोल रहे थे, आप प्लीज बोले। हेलो, रिपीट हो रही, रिपीट आवाज पहुंच रही है सर, रिपीट आ रही है, ये कह रहा हूँ मैं, क्लियर नहीं आ रही सर को म्यूट, रिपीट आ रही है आपकी आवाज, ये कह रहा हूँ। हेलो, हाँ आप सही है, आप सही आ रही है, आप सही आ रही है। वो क्या है कि एक मोबाइल को भी हमने ऐड किया था इधर से, ओके, इसीलिए ठीक है। आप बताइए आप क्या करेंगे, जो संडे को क्लास रखेंगे उसका शेड्यूल इस टाइप से रहेगा कि जितने भी अपने पास जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनका एक रोल नंबर टाइप का एक कोऑर्डिनेट दे देंगे अपन, के वन नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, और इसी के अनुसार जो लोग रिज्यूम भी सेंड किए उसके अकॉर्डिंग है इनका इंट्रोडक्शन, देन इनकी होमेस, और जिन्होंने यहाँ पर वर्क किया है उसी के अकॉर्डिंग इनसे क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे अपने पास अभी शायद 50 स्टूडेंट हो चुके हैं, 13 तो इनका एक ऑर्डरिंग कर देंगे और इसके बाद सभी ग्रुप में डाल देंगे कि फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पे, थर्ड पे, और इसके अकॉर्डिंग इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही इंट्रोडक्शन देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, ठीक है ना सर जी। हाँ ये सही है, उसमें क्या है अपन सभी लोगों का इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन सब लोगों को देखो कैमरे के साथ आना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, बाकी कैमरे के मतलब कैमरा ओपन करके आना पड़ेगा इंट्रोडक्शन के। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना सर, इसमें प्रॉब्लम की क्या दिक्कत है। हाँ वही तो, प्रदुम कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी या सर, माय क्वेश्चन इज आई हैव मेंशनड द हॉबीज लाइक रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, सो विल आई हैव टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल लाइक व्हिच बुक्स आई हैव रीड ऑलरेडी एंड आई विल द इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग बुक्स एंड ऑल एंड व्हिच टाइप ऑफ म्यूजिक आई लिसन एटसेट्रा ऑल। श्योर श्योर, इफ यू हैव मेंशनड that I like listening music and reading book, right? Yes. Then you have to prepare that what books attract you most, which type of books attract you most, one thing. Yes. And which book have you read, which books yes. have you read, right? And you yes. can mention one or two books which yes. really attract you most, right? Yes. तो एक दो बुक तो आपको रखनी पड़ेगी ना, कि ये बुक हमने पढ़ी और बड़ा अच्छा, उससे फिर क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको एक दो बुक तो रखनी पड़ेगी, है ना? They can also ask for like themes and moral of the story, what you learned from that books and all. If suppose the interviewer who have knowledge about your book, then they can ask. They can surely ask. Yes, sir. Right? 100% they can ask if they have knowledge about that. Suppose you are from English literature. Yes, sir. So, exactly. Have you prepared any book that? Yes, I have prepared this one. Yeah, like Atomic Habit, I have read only, sir. Okay, okay. So, I think that for देखो जब हमारा इंटरव्यू होगा तो वो सामने वाले भी उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, ये तो पक्का है।
राइट यस सर सो दे कैन आस्क थीम मोरल स्टोरी और सॉरी जो आपका मैसेज निकल रहा है द मैसेज विच यू आर टेकिंग फ्रॉम दैट बुक एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मैसेज इन द सोसाइटी मैनी थिंग्स दे कैन आस्क सो यू हैव टू प्रिपेयर विद दैट ऑल्सो ओके सर एंड लिसनिंग म्यूजिक में आप एक पर्टिकुलर बोल सकते हो कि मुझे ये वाला जो संगीतकार है मतलब ये जो है उसको बहुत मैं पसंद करता हूँ है ना एंड यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट ऑल्सो इफ यू आर सिंगिंग अबाउट एनी वन देन यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट ऑल्सो राइट वन ऑफ माई फ्रेंड हु हैज टोल्ड दैट प्लेइंग क्रिकेट इन अ हॉबी he has mentioned yeah. In one of the interview he was discussing to me only right yes, so the interviewer asked him that yes. length of the pitch length of the bat such type of questions he has asked okay sir so if for playing cricket he can ask some questions same with you yes sir so now I got it sir right With the full description, I'll have to go, sir. Okay, okay. Thank you very much. Okay, so now I think I have to leave this class and say all the best to all of you again. And you have to prepare with your introduction on Friday. Okay? Okay, sir. And I will try my best to take one more expert for that, so that they can. He can ask or questions related to that or see your interview or see your introduction what type of introductions you have given right okay sir okay okay sir okay thank you very much all of you I'm thank you sir